गुड इवनिंग। हम एक और प्रैक्टिस शीट यहाँ पर स्टडी करते हैं, जिसमें हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें नेम दिए गए हैं 5, राहुल, अमन, अरुण, नितिन एंड अमित, और उनके हमें रोल नंबर दिए गए हैं। टाइम स्लॉट और डिपार्टमेंट के कॉलम हमें ब्लैंक दिए गए हैं और पॉइंटर्स नीचे दिए गए हैं 6। सबसे पहला पॉइंटर है, ड्रॉ अ टेबल इन द स्प्रेड शीट एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। हमें सबसे पहले इस टेबल को बनाना है, तो मैंने यहाँ पर स्प्रेडशीट में पहले से ही ये बना दी है टेबल, और उसमें ये मैटर भी टाइप कर दिया है। तो देखते हैं, और इसे लेफ्ट अलाइनमेंट दिया गया था तो मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट भी दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, असाइन अ टाइम स्लॉट बाय यूजिंग इफ फॉर्मूला। हमें टाइम स्लॉट निकालना है, सभी का, दोनों का टाइम स्लॉट असाइन करना है इन सभी को इफ़ के फॉर्मूला को अप्लाई करके। और वो कैसे करना है, इफ़ रोल नंबर इज लेस देन 150 गिव टाइम स्लॉट 12 PM और 2 PM। अगर किसी का रोल नंबर 150 से कम है, 150 से नीचे वाले जितने भी रोल नंबर हैं उसे हमें 12 PM देना है, और बाकियों को जो 150 या उसे ऊपर हैं उनको हम 2 PM टाइम देंगे। चलिए, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं टाइम स्लॉट में, इक्वल टू इफ़ का फॉर्मूला लगाने के लिए हम इफ़ लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और रोल नंबर पर हमें फॉर्मूला लगाना है तो रोल नंबर वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, और फॉर्मूला है रोल नंबर अगर हमारा 150 से नीचे है तो हमने लेस देन का साइन लगाया है। लेस देन और इक्वल टू नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें क्वेश्चन पेपर में 150 को इंक्लूड नहीं किया गया है। बोला गया है जो 150 से नीचे हैं उनको हमें क्या टाइम स्लॉट देना है, 150 से नीचे 12 PM अदरवाइज 2 PM। तो 150 कोमा, इसका मतलब है B2, यानी कि रोल नंबर अगर 150 से नीचे है तो हमारे पास क्या है, 12 PM। तो हम 12 PM लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, यहाँ पर 12 PM लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। जब भी हमें कुछ एज इट इज टाइप करना है, जैसे 12 PM है, कुछ वर्ड्स लिखने हैं आंसर में, तो उसे हम इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं दोनों तरफ आगे और पीछे वो लगा देते हैं। और दूसरा लगाने के लिए फिर से हम कोमा लगा के दूसरी फिगर लिख देंगे इन्वर्टेड कोमास में, यानी कि 2 PM इन्वर्टेड कोमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब है अगर B2 यानी कि रोल नंबर छोटा है 150 से कोमा, तो आंसर में 12 PM आए, और दूसरे कोमे के बाद जो फिगर है, जो भी लिखा गया है, वो अगर ये कंडीशन पूरी नहीं कर पाता, यानी कि 150 से नीचे नहीं है, तो 2 PM आ जाए। तो हम इसे एंटर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 12 PM आ गया है, 12 PM, क्योंकि हमारा रोल नंबर क्या है, 150 से नीचे है। तो हम इस फॉर्मूला को यहाँ पर ड्रैग करके कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 12 है, इसमें 2 PM आया है क्योंकि ये 150 से ऊपर है, ये 12 एंड 2 PM, ये भी 150 से ऊपर है। अगर यहाँ पर 150 होता तो भी हमारा यहाँ पर आंसर 2 PM आना था, क्योंकि 150 से नीचे 12 PM है और 150 और उससे ऊपर 2 PM आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असाइन ए डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट हमें असाइन करना है, ये भी बाय यूजिंग इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला को अप्लाई करना है, कैसे, क्या अप्लाई करना है, इफ टाइम स्लॉट इज 12 PM, अगर टाइम स्लॉट जो है अगर वो 12 PM है तो हमें इसे बी डिपार्टमेंट देना है, और नहीं तो ए डिपार्टमेंट देना है, यानी कि 12 PM होगा तो बी डिपार्टमेंट जाएगा, 2 PM होगा तो ए जाएगा। तो हम यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये जो सेल है हम देखते हैं टाइम स्लॉट के लिए, हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू 12 PM, यहाँ पर हम लिखेंगे 12 PM, 12 PM है, इसमें भी हम इन्वर्टेड कॉमास में दे देते हैं 12 PM कोमा। तो हमें डिपार्टमेंट कौन सा देना है, इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे बी, बी हम कैपिटल में लिखते हैं, बी कोमा, नहीं तो हमें ए डिपार्टमेंट देना है, ए को भी हमें इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पर बी डिपार्टमेंट आ गया है, और हमें इसको ड्रैग करना है ताकि फॉर्मूला यहाँ पर कॉपी हो जाए, राइट। हम फिर से एक बार फॉर्मूला को देखते हैं F2 करके, इस सेल पे जाके F2 करेंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट C2, यानी कि टाइम स्लॉट का जो कॉलम है, ये कॉलम सेलेक्ट किया हमने, इस सेल में
12 PM लिखा गया है। अगर ये दिस सेल इज इक्वल टू 12 PM, 12 PM हम लिखेंगे इन्वर्टेड कोमाज में आगे और पीछे, फिर कोमा, तो आंसर में क्या आए, बी। बी को हमें इन्वर्टेड कोमाज में लिखना पड़ेगा आगे और पीछे, फिर नीचे सिंगल कोमा। नहीं तो अगर ये 12 PM है तो बी आए, नहीं तो जो कोमा के बाद दूसरी फिगर लिखी गई है वो उसकी कंडीशन पूरी ना होने पर है तो ए आए, राइट। अगर हमारा C2 सेल 12 PM है तो आंसर में बी आए, नहीं तो ए आए, राइट। तो इस तरीके से आपको इसे लिखना होता है। इस फॉर्मूला को आप फिर से देखना चाहें, अपना फॉर्मूला आप चेक करेंगे जब, तो यहाँ एंटर करने के बाद फिर से देखना चाहते हैं तो सेल पर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर ये जो विंडो बनी हुई है यहाँ पर आपका फॉर्मूला दिखाई देगा, या आप इसको F2 करके देख सकते हैं फॉर्मूला को, राइट। तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन इज गिव ग्रे बैकग्राउंड कलर टू द होल टेबल, पूरी टेबल को हमें ग्रे कलर देना है बैकग्राउंड में, वो भी तो हम फिल कलर पर जाएंगे। यहाँ पर हम इसे एक ग्रे कलर कोई सा भी दे देते हैं क्योंकि हमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि लाइट चाहिए या डार्क चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द टेबल टू 12, पूरी टेबल का साइज, पहले तो टेबल को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि पूरी टेबल बोला गया है, उसका हमें साइज फॉन्ट साइज चेंज करना है 12, अभी क्या है 11, हम इसे 12 कर देंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है बोल्ड द होल टेबल, पूरी टेबल को हमें बोल्ड करना है तो फिर से टेबल को सिलेक्ट करना होगा और बी पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगी। तो हमारी टेबल यहाँ पर बनकर रेडी है, कंप्लीट हो गई है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।